गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है थोक मूल्य सूचकांक, जिसका मतलब हुआ थोक मूल्य। थोक मतलब जहाँ थोक बाज़ार में हम सामान खरीदते हैं, तो जहाँ उस वहाँ पर जो मूल्य लगाया जाता है थोक मूल्य का सूचकांक। ठीक है, अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर्स द चेंज इन द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी एट द होलसेल लेवल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे करते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद आपको ये जितना भी सब कुछ लिखा है ना, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि एक इंसान लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हम राज। ठीक है, राज गया एक दुकान पर, चल मान लीजिए रिलायंस पे गया। ठीक है, अब वो वहाँ से क्या लेने गए, उसको आप बोलते हैं कि चलो भैया आप चावल ख़रीद लाओ। तो उसने जाके ख़रीदे 1 किलो चावल, और चावल का मूल्य लगाया 20 रुपये केजी। तो जब राज रिलायंस स्टोर से चावल लेने गया, तो उसको मिले चावल 20 रुपये पर केजी पे। तो अब क्या ये जो 20 रुपये पर केजी के रिलायंस को भी इसी प्राइस पे मिले होंगे? रिलायंस ने भी तो ये कहीं से, एक फैक्ट्री से या किसी होलसेलर से ये ख़रीदा होगा ना, तो क्या ये 20 रुपये पर केजी में लाए होंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वरना वो कमाएंगे कैसे? तो आप मान लीजिए अगर रिलायंस ने किसी फैक्ट्री से ख़रीदा है, तो हम मान के चलते हैं कि ये इसको 16 रुपये पर केजी पे लेके आए होंगे। तो आप देखिए, दो ट्रांजेक्शन है, एक तो ट्रांजेक्शन हो रहा है राज और रिलायंस के बीच में, है ना। तो इस ट्रांजेक्शन को तो जो मॉनिटर करता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन जो ये ट्रांजेक्शन रिलायंस और फैक्ट्री के बीच में हुआ, ये रिलायंस हो गई और ये फैक्ट्री हो गई, जो इसके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ 16 रुपये प्रति किलो के चावल को लेके, इसको जो इस वैल्यू को जो मॉनिटर करता है उसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्यों इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं? क्योंकि जब ये रिलायंस ने यहाँ से चावल खरीदे होंगे, तो ये तो है नहीं 1 या 2 किलो खरीदे होंगे, इसने थोक भाव में चावल लिए होंगे ना फैक्ट्री से। मान लीजिए आपने इसने 50 किलो लिए होंगे, 100 किलो लिए होंगे, उससे भी ज़्यादा लिए होंगे। तो ये थोक भाव पे चीज़ का प्राइस तय किया गया था, ना कि रिटेल पे। रिटेल पे तो हम जैसे लोग, आप मैं जैसे लोग खरीदते हैं, या और जो स्टूडेंट्स हो गए, पर ये जो रिलायंस ख़रीदता है ये थोक भाव पे सामान खरीदते हैं। जितने भी जो शॉप्स होती हैं, जब वो फैक्ट्री से या किसी होलसेलर के पास जाके सामान खरीदती है, तो वो एक थोक भाव पे सामान को लेके आती है, जिसको वो मार्केट पे बेचते हैं प्रॉफिट पे। तो उस प्राइस में जब चेंज आता है, उस प्राइस के चेंज को कौन मॉनिटर करता है? हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम कोशिश करते हैं इसकी जो हमने लिखा है डेफिनेशन, इसको पढ़ते देखते हैं कि हमारे लिए आसान हुई कि नहीं हुई। इट इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एट होलसेल लेवल। को बता दें ना, ये होलसेल लेवल, ये जो यहाँ पे हुई थी ट्रांजेक्शन। इट शोज़ द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एट बल्क लेवल। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? गुड्स थोक भाव में खरीद रहे थे ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बल्क लेवल। दिस इंडिकेटर helps government to track या measure the inflation and growth in the economy. अब ये जो इंडिकेटर है, ये हमें क्या रिकॉर्ड करने में या क्या पता लगाने में मदद करता है? हमारी इकनॉमी में ग्रोथ कितनी हो रही है और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। अब आप ये इन्फ्लेशन कैसे बताती है? अब जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि जब रिलायंस जनवरी में चावल लेने गई थी, तो इसे मिला 16 रुपये प्रति केजी पे। जब रिलायंस ने फरवरी में 50 किलो चावल खरीदे, तो इससे मिला मान लीजिए 16.5। फिर जब इसने मार्च में लिए, तो ये 18 हो गया। तो अब क्या देख रहे हो, ये प्राइस बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। जो चीज़ पहले 16 रुपये में आ जाती थी, अब उसके लिए 18 रुपये देने पड़ रहे। तो इससे क्या समझ आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है, हमारे जो थोक भाव, थोक मार्केट में जो प्राइजेज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इन सब से क्या ये दोनों चीज़ें पता चलती है? It just tracks the changes in the price of goods only as the service is something which cannot be sold in bulk. भाई बहुत सीधी सी बात है कि
जो ये थोक बाजार होती है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स ही तो बिकते हैं। आपने कभी सर्विसेज को थोक भाव में बिकते हुए देखा है? कभी आपने देखा है कि ड्राइवर की सर्विसेज थोक भाव में बिक रही है, या जो नर्स की सर्विस होती है वो कभी थोक भाव में या किसी थोक की मंडी में उसको बिकते हुए देखा है? नहीं, वो बिक ही नहीं सकते ना। आप उसको कैसे स्टोर करोगे अपने पास? आप जो ये हमारी नर्स की सर्विस होती है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, जैसे जैसे कि हमारे प्याज, टमाटर, आलू, चावल है, गन्ने है, इनको तो आप स्टोर करके रख सकते हो। आप 500 किलो, 1000 किलो और पता नहीं कितने क्विंटल आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन क्या आप सर्विसेज भी स्टोर करके रख सकते हो? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। कैसे करोगे उसको स्टोर? क्योंकि सर्विस तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हम मांगते हैं उसी टाइम ही प्रदान करी जाती है। आप उसको किसी डब्बे में या किसी मशीन में आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अगर जब आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते तो आप उसको थोक मार्केट में कैसे बेचोगे? ये तो सीधा रिटेल, जब एक कंज्यूमर किसी के पास सर्विस लेने जाता है वो उसको उसी टाइम देते हैं। तो जब किसी कंज्यूमर और डायरेक्ट किसी दुकान में डायरेक्ट लेन देन हो रहा है तो वो तो रिटेल ट्रांजेक्शन हो गया ना, तो उसका कोई होलसेल प्राइस था ही नहीं या हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये सिर्फ गुड्स के प्राइस को ट्रैक करता है और सर्विसेज के प्राइस को ट्रैक नहीं करता, और उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए एक बार ये डायग्राम देखते हैं जो मैंने पीछे बनाया था, वो उसको यहाँ पे समझा रखा है कि ये थे हमारे राज जी जो ये गए लेने राइस 16 रुपये किलो में। ये हो गई हमारी रिटेल शॉप्स। तो इन दोनों के बीच में या यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा उसको कौन देखता है, या उस प्राइस मैकेनिज्म को कौन ट्रैक करता है? वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जो रिटेल शॉप्स और फैक्ट्री आउटलेट्स या फार्म के बीच में या फार्मर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, जिस दर पे होता है, उस इंडेक्स को बोलते हैं WPI या थोक भाव सूचकांक। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। अब ये जो डेटा है WPI का, इसे कौन पब्लिश करता है? ये डेटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंडर एक ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और ये डेटा यहाँ से पब्लिश होता है। अब व्हाट इज़ द बेस ईयर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन? द बेस ईयर इज़ 2011 एंड 12। माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमें किसी भी दो डेटा का कंपैरिजन करना होता है, हमें डेफिनेटली एक बेस ईयर चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 2018 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $2000, मान लीजिए। अब हमें कैसे पता लगेगा ये बढ़ गया? या आपको मैंने डेटा दे दिया, चलो इसको एक बार कैंसिल करते हैं, कि 2021 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $2000, ठीक है। अब ये बढ़ा है कि घटा है, ये अपने को कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा ना जब हम इसको किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे। और अब हम कंपेयर करने के लिए एक कांस्टेंट फिगर को तो लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट फिगर जो, या कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट रिजर्व लेते हैं हम, एक बेस ईयर मान के चलते हैं। तो हमारा जब WPI को हमें कंपेयर करना पड़ता है कि हमारे जो प्राइजेज हैं ये घटे हैं या बढ़े हैं, तो इसके लिए कौन से ईयर के प्राइजेज को हम कंसिडर करते हैं? जी हम करते हैं 2011-12 के प्राइजेज को कंसिडर, ठीक है। अब व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन? तो सर्विसेज तो जैसे मैंने आपको बता दिया, हम तो करते ही नहीं हैं सर्विसेज को कंसिडर। अब आए गुड्स पे, तो टोटल ऑफ 697 आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं WPI के कैलकुलेशन में। अब इसमें क्या होता है, इन गुड्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो गई प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकेंड हो गया फ्यूल एंड पावर, एंड थर्ड हो गया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड, इनको मैं अभी समझाती हूँ। अभी एक बार देख लेते हैं कि जो ये प्राइमरी आर्टिकल्स हैं इसको हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स, ठीक है। इनको हमें रटना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक बार क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। इस ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जस्ट कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि
प्राइमरी आर्टिकल्स का भी आगे वो सब क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फूड आर्टिकल्स में तो जैसे हो गया शुगर केन, पैडी, राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, ये सब। नॉन फूड आर्टिकल्स में क्या होता है, नॉन फूड आर्टिकल्स में जैसे आप मान लीजिए आपके कपड़े हो गए जिन्हें हम एपेरल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स हो गई, मिनरल हो गया, ऑयल सीड्स को आप खा नहीं सकते ना, ऑयल सीड्स को जब हम कन्वर्ट कर देंगे ऑयल में तब हमारे लिए वो फूड आर्टिकल हो जाएगी, तो ऑयल तो यहाँ आ जाएगा लेकिन जो ऑयल सीड्स हैं वो आएंगी नॉन फूड आर्टिकल में, ठीक है ना। क्रूड पेट्रोल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्रूड पेट्रोल है ना वो तो नॉन फूड आइटम्स में आएगा, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, फ्यूल एंड पावर में, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। अब व्हेन इज़ द डेटा पब्लिश्ड, तो अब जो प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर का डेटा होता है ना, ये तो हफ्ते दर हफ्ते पे होता है, वीकली बेसिस जिसको कहते हैं, हर हफ्ते होता है। वाइल जो ओवरऑल डेटा है, मतलब अगर हम सबका कलेक्टिवली देखा जाए जिसमें आ गए प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और जो मैन्युफैक्चर डेटा, उसका होता है मंथली बेसिस पे। इज़ दिस कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन? जी नहीं। हमारे यहाँ महंगाई को किससे मापते हैं? हमारे देश में महंगाई को CPI पे नापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के उस पर देखते हैं कि महंगाई घट रही है या बढ़ रही है। हाँ, इसको भी हम कंसिडर करते हैं, लेकिन मेन इंडेक्स जो महंगाई के दर को पता लगाने के लिए देखा जाता है वो है ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट? अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको मैथ्स का जैसे फॉर्मूला होता है कि आप न्यूमरेटर में तो रख देंगे जो आपको जिस साल का देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2021 का डिवाइडेड बाय जो डेटा हमारा था 2011-12 जो हमारा बेस ईयर था इन 200, आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्फ्लेशन कितना आया, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि करंट ईयर का डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो बेस ईयर इन 200, ठीक है। अब एक बार ये हमारा जो ये पाई चार्ट है इसको देख लेते हैं, कौन से सेक्टर को कितना वेट असाइन किया है या कितना वेटेज रखते हैं। तो ये आपके फूड आर्टिकल, नॉन फूड आर्टिकल, क्रूड पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या थे आपके प्राइमरी आर्टिकल्स थे ना, मैंने आपको बताया था, इनका वेटेज देखते हैं। फूड आर्टिकल्स का सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है, देखो 18%। क्यों आ रहा है फूड आर्टिकल्स का? एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हमारी जो सैलरी या वेतन का जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो फूड आर्टिकल्स पे जाता है, किसी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसका सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब अगर फूड आर्टिकल्स का वेट, मतलब अगर फूड आर्टिकल्स के प्राइस अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं या ऊपर नीचे हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखते हैं इसका सबसे ज़्यादा वेट है तो वो है बेसिक मेटल्स का, वो यहाँ आ गए। और जो ये बेसिक मेटल्स हैं ये आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो माय फ्रेंड्स, आपको ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, ये पाई चार्ट आपको सिर्फ एक रेफरेंस पर्पस है, ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। आपको ये वेट्स कोई भी बिल्कुल रटने की या दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, फूड आर्टिकल्स का था। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पार्ट उस पर स्पेंड करते हैं और इसके चेंज होने से सबसे जल्दी फ़र्क पड़ता है WPI पे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए रैदर देन आप एक एक चीज़ को, एक एक फिगर को, ये तो चेंज होते रहेंगे बट आपको ये रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि WPI क्या है और इसमें हम गुड्स को ही क्यों लेते हैं और सर्विसेज को क्यों नहीं लेते हैं, इसका बेस ईयर क्या है, इसमें कौन से तीन सेक्टर्स में हमने मतलब तीन कौन से आइटम्स हैं जिनको हम लेते हैं, उनका क्या वेटेज है और इस डेटा को कौन पब्लिश करता है। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। So this is all for the today's video. Thank you so much.